हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज फिर मैं शेजवान बनाने जा रहा हूँ, आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट किचन में, उसी प्रोसेस के साथ बनाने वाला गाइस। चलते किचन में। अब देख सकते गाइस, हमारा यहाँ पे शेजवान का हंडी और तेल डाल के गरम करने के लिए रखा है। ये देखिए ऑयल है इसमें। तो अभी यहाँ देख सकते हमारे पास पहले नंबर लहसुन डालेंगे, उसके बाद अदरक डालेंगे, लास्ट में मिर्ची डालेंगे, उसके बाद भी चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस। और एक देख सकते हैं ये बुश कलर है, इसको यूज करेंगे और नमक डालेंगे। इतने चीज़ों से मैं आज भी सेजन बनाने वाला गाइस, आपको पूरा वीडियो देखना है। अभी हम लोग पहले स्टार्टिंग में लहसुन डालेंगे, उसको 10 से 15 मिनट उसको फ्राई करेंगे, ब्राउन बनाएंगे, उसको फ्राई करते ब्राउन बनाएंगे। उसके बाद हम अदरक डालेंगे, उसके बाद अदरक डालने के जैसे 5 मिनट बाद फिर मिर्ची डालेंगे। पूरा मिर्ची डालने के बाद उसके फिर 5-10 मिनट के बाद फिर हम लोग सॉस डालेंगे। एक एक आइटम ऐसा करके डाल के फिर हम पूरा प्रोसेस साथ आज भी मैं चाइनीज़ कॉर्नर में सेजन बनाने वाला हूँ। तो आपको पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप भी घर पे बना के खा सकते हैं। इसके लिए वीडियो में बने रहना गाइस। फाइनली हमारा सेजन बन के रेडी हो चुका है, आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारा सेजन कैसा बना है, आइए देखते हैं। ये देख सकते हैं बड़ा सा, वही हमेशा की तरह बड़ा सा टोप में बनाया है, देख सकते हैं भर के बनाया है गाइस। ये 8 किलो का हंडी है, ये पूरा भर के सेजन बनाया है। अभी 2 से 3 दिन और चलेगा सेजन, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और महाराष्ट्र में तो अभी उपवास चल रहा है। अभी उपवास अभी खत्म होने में और 15-20 दिन बाकी है। यहाँ पे सावन का उपवास अभी खत्म हुआ नहीं है, हर जगह का हो गया पर अभी महाराष्ट्र का खत्म नहीं हुआ है गाइस। तो बस जैसा उपवास खत्म होगा तो हमारा धंधा भी बढ़ेगा, अभी धंधा स्लो है। अभी आपको ये मेरा शेजवान बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और घर पे भी शेजवान बना के खा सकते हो। मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो का आप इंतजार करते रहना। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।